global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Well, obviously, हम सारे friends chicken biryani बना रहे हैं and we are like lot of friends who are celebrating with good food. We are decorating the whole place. It's still under decoration. तो of course Christmas है तो Christmas की तरह Christmas tree होगा, खूब सारा decoration होगा and of course we are planning to gift each other whatever we want to gift and let's see how it goes. But obviously Christmas हमेशा हर साल हम celebrate करते हैं. It's so nice कि you know हम पूरे साल actually हर festival celebrate करते हैं और you know हमारे सारे friends जो है वो कोई Christmas वाले हैं, कोई Eid वाले हैं, कोई Diwali वाले हैं, तो इस वजह से हम बहुत सारे festival celebrate कर पाते हैं. So I'm really looking forward for Christmas and yeah, we're expecting good gifts from friends and of course a great time on 25th. तो ये कंट्री ही इतना सेक्युलर है तो ये इंडस्ट्री तो इस कंट्री का एक छोटा सा हिस्सा है. ऑफ कोर्स इन अ वेरी बिग वे ऑफ कोर्स बहुत ग्लोबल है, बहुत चीज़ें मैटर करती है हम फिल्मों में क्या करते हैं. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्टे इन इंडिया वेयर अनलाइक अदर कंट्रीज आई सेलिब्रेट सो मेनी फेस्टिवल्स. बिकॉज जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों को लोग बहुत सारी कंट्रीज में सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट होता है और वेन यू गो टू यू नो मिडल ईस्ट कंट्रीज leaving Dubai actually every other Saudi Arabia country they are very very limited to Eid. But of course when you go to Dubai when you go to other countries वो लोग decorations उस हिसाब से करते हैं but इतना नहीं होता है. But when you come back to India I think जब कुछ हमारे foreigner friends भी होते हैं जब वो यहाँ पर कुछ ऐसे functions के time पर आते हैं वो भी बहुत excited हो जाते हैं देख कर के कितने variety of festivals हमारी country celebrate करती है और हम हर किसी का existence celebrate करते हैं यहाँ पर. हर लोगों का belief different culture में है, tradition में है, God में है and हम वो सब celebrate कर पाते हैं और हम उस सब चीज़ों को एक दूसरे को respect करते हैं उस चीज़ों को लेकर. So I think I'm very happy and I'm very proud that मैं हमेशा कहती हूँ कि as I'm very lucky that I stay in India because I have a secular country where I can stay and I have my own thought. I can इतना freedom of speech है, freedom of action है, freedom of everything है. So that way is I think it's the best. ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये भी हाल फिलहाल में सोचिए जी कहीं ना कहीं तो obviously I don't know nepotism I don't know मुझे ना कभी-कभी वो word ना ऐसा सुनने में ना बहुत नहीं बहुत scary लगता है. तो आपको ऐसा लगता है अगर मैं ये word use करके कुछ बोलूँगी तो बहुत scary चीज़ ना हो जाए but that is the word. but अगर आप उसको छोड़ो I think मैं हमेशा से कहते हैं जब से ये मुद्दा उठाए कि it's fine अगर आपके अगर आप privileged हो तो आप हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो. अगर मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ तो मैं एक रॉयल फैमिली से आती हूँ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती यू नो. और वो मेरे लिए एक एड ऑन रहेगा, डिपेंड करता है मैं उस एड ऑन को कितने पॉजिटिवली यूज़ करती हूँ. और वैसे ही मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल पहले दिया था कि जब आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है उस गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करना. जो एक नॉर्मल इंसान जो ट्राई करता है कि मुझे भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बिकॉज ऑफकोर्स पेंशन बहुत अच्छी आती है एंड फॉर लॉन्गर टर्म आती है अनलाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो आई थिंक वो चीज़ें बहुत माइंड पैशन, आप उसे मेहनत करो, करते रहो, चीज़ें वर्कआउट होती है, कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, कभी कुछ चीज़ें किसी के लिए जल्दी वर्कआउट हो जाती है, किसी के लिए बहुत लेट होती है, किसी के लिए बहुत स्टेबल रहती है. तो आई थिंक उसे एक्सेप्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात है. एंड एक रियलिटी चेक लाइफ में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मैं एक रियलिटी चेक बेसिस पे बहुत क्लियर हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे ऑल्सो आई एम गेटिंग वट एवर वर्क आई एम डूइंग. आई एम वेरी हैप्पी वट एवर आई एम डूइंग टुडे. मुझे तो किसी भी साल से कुछ उम्मीद नहीं. मुझे यू नो आई डोंट नो, जब लोग कहते हैं 2018 में आप क्या करोगी, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी. मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और मेरी भी बहुत सारी विश लिस्ट है. हर इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है, उसे ग्रो करना है लाइफ में, उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऊपर पहुँचना है. तो मैं बस यही विश करूँगी कि 2018 हम सबके लिए अच्छा हो और चीज़ें बदले हम सब के लिए फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट. और एज एन एक्ट्रेस अगर मैं सोचूँ तो ऑब्वियसली मैं सोचूँगी कि मुझे अच्छी फिल्म्स मिले एंड आई गेट वर्क दैट आई वांट. बिकॉज
sometimes you're getting a lot of work, but the work is not something that you want to do. So आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खुद ही excited नहीं हो ये काम करने के लिए, तो it's no point working. So I just hope कि मुझे मेरा choice of work मिले next year and I be happy and healthy and at peace. Wishes for your fans for Christmas and to wish everyone who's been loving me for so many years, all my fans, all my well-wishers and everybody who's watching me a very happy New Year and Merry Christmas. Enjoy, logo se pyar karo, logo ko gift do. Gift is a exchange of love and thoughts, so no big deal. So yeah, just have a great year and have a safe year.